हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ मटर से घुघनी कैसे बनाया जाता है। सो गाइस, आज को इसको मैं रात भर भिगा के रखा हुआ था, तो अभी रेडी है बॉईल के लिए। और अभी इसको मैं कुकर में डाल दूंगी बॉईल के लिए। तो आलू भी मिक्स करने वाली हूँ मैं। और गाइस, घुघनी के लिए मैं रेडी किया है एक ऑनियन एंड लहसुन और किंग चिल्ली हाफ एंड यहाँ पे डालने वाली हूँ ग्रेन किया वाला ब्लैक पेपर थोड़ा सा। और फिर अभी मैं रख दिया है कुकर में सीटी मारने के लिए मटर और आलू को। और मेरा मटर और आलू पक चुका है अभी, तो अभी इसको ऑयल के साथ हल्का सा फ्राई करूँगी। अच्छे से पक गया है ये, क्योंकि रात भर अच्छे से मटर को भिगा के रख दिया है तो अच्छे से पक गया है। और फिर अभी मैं कुकर गरम करने के लिए रख दिया है। धीरे धीरे कुकर गरम हो रहा है और कुकर गरम हो चुका है, तो मैं यहाँ पे ऑयल भी डाल दिया है कुकर में। सो गाइस, मेरा ये ऑयल गरम हो चुका है, तो अभी मैं डालूंगी ऑनियन एंड फिर गार्लिक भी डाल दिया है यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैंने डाल दिया है मटर और आलू को। फिर नमक और हाफ ग्रीन चिल्ली को भी डाल दिया है अभी। एंड इसको अभी थोड़ा अच्छे से पका लूंगी पहले। और फिर पक चुका है अच्छे से, तो मैं मतलब अच्छे से मिक्स हो चुका था, तो यहाँ पे पानी डाल दिया है। और अभी मेरा मटर पक चुका है, घुघनी रेडी है, तैयार है। सो मैं यहाँ पे धनिया भी डाल दिया है।